देश को नाम रोशन करेगा यहाँ से, इसीलिए बना हुआ आज चले गया वो, उसकी एक ख्वाहिश थी देश के लिए कुर्बान होना है, देश के लिए चले गया वो आज, बस उसकी एक ख्वाहिश थी भारत माता की सेवा करना, भारत माता की सेवा करते करते निकल गया वो। पिछले दिनों नागालैंड में हुई हिंसा में शहीद हुए उत्तराखंड के गौतम लाल का पार्थिव शरीर आज मंगलवार को उनके पैतृक गांव नौली पहुंच गया। राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ उन्हें पैतृक घाट पर अंतिम विदाई दी गई। शहीद के चचेरे और फुफेरे भाई देवेंद्र ने मुखाग्नि दी। पार्थिव शरीर के पहुंचते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। गांव वाले उन्हें संभालते नजर आए, वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान शहीद गौतम अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। इस दौरान विधायक विनोद कंडारी, पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी और दिवाकर भट्ट भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि शहीद गौतम लाल के निधन पर मुझे बहुत दुख है, मैं गौतम लाल के नाम से हॉस्पिटल का नाम की घोषणा करता हूँ, मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलूंगा और परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। नेशन वन के लिए देवप्रयाग विधानसभा से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आज शहीद हुआ है गौतम लाल, ये मेरी विधानसभा नौली गांव की, और मैं इस नौजवान को व्यक्तिगत तौर से भी जानता था। मुझे वो दिन याद है कि जब वो फौज में भर्ती हुआ था और मेरे टेलीफोनिक भी संवाद उनसे हुआ था, और मुझे दो दिन पहले खबर मेरे पास आई तो बड़ा एक ऐसी बात सामने आई कि हमने एक नौजवान को खो दिया है, और भारत माँ की रक्षा के लिए इस उत्तराखंड के नौजवान ने हमेशा प्रथम पंक्ति में आकर इस भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और ये जो गौतम का जो ये बलिदान देश के प्रति है, ये पूरा देश याद रखेगा, और मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा इसी दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और इस दुख की घटना में, इस दुख की वेला में इनके परिवारों को शहीद गौतम लाल आज देश के लिए शहीद हुए। हम अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दे, और ऐसे सपूत पर हमें गर्व है कि जो आज देश के लिए शहीद हुए। मैं उनके पिताजी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा और भी है। ये हमारा जो है ना, मैं सन 65 से 62 वाली जगह में भी रहा हूँ, सन 65 वाली में भी, और सन 71 में भी घासें पिस गई थी कश्मीर में, और ये तो क्या बताएं हम। मैं अभी शेबंजी नान का रिटायर हूँ, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े देख के। क्यों धन्य हो इनको जो मैंने आ रहे हैं, जिनकी बॉडी आ रही देश के प्रति। उस समय बहुत लाशें पीछे सन 71 में हमारी शेबंद गढ़वाल, टेंथ गढ़वाल हमारी आगे पीछे शमशेद पर तमाम वाला ने, और पाकिस्तान की लड़ाई में बहुत लाशें पीछे हैं, लेकिन ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं, सौभाग्य है हमारा, क्योंकि देश के खातिर बने हमारा उत्तराखंड ने, आप देखेंगे उत्तराखंड का कितना बड़ा रिकॉर्ड है। इसी अंग्रेजों के जमाने में हमारे गवर सिंह, बलराम सिंह, चंद्र सिंह गढ़वाली भीसी हैं, विक्टोरिया करार सबसे बड़ा इनाम अंग्रेजों का दिया हुआ, और अभी हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारी सभी अफसर भी आए हुए हैं, हमारे कमांडिंग साहब भी आए हुए हैं बॉडी के साथ सभी है, और ये हमारा मन ये सौभाग्य बताएंगे हमारे श्री बाप ने धन्य पुत्रों के लिए, उन जवानों के लिए, हमारे भारत के जवानों के लिए जो अपनी आत्मा को हंसते हंसते बलिदान कर देते हैं। मैं भी सन 71 का जख्म ही हूँ।